ओके तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब डेटाबेस को एक्सेस करेंगे और कोई ना कोई इंसर्शन करेंगे और वो चीज़ चेक करेंगे कि हमारे टेबल के अंदर वो चीज़ रिकॉर्ड होती है या नहीं। तो सबसे पहले हम अपनी एग्जाम्पल के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक सिंपल सा जो है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर लेआउट बनाते हैं। और इस लीनियर लेआउट के अंदर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक बटन बना देंगे और इस बटन को रैप कंटेंट कर देंगे और यहाँ पे इसका टैक्स दे देते हैं फिलहाल के लिए, इंसर्ट स्टूडेंट। ये टेम्प्रेरी काम कर रहा हूँ बिल्कुल, मैं ना कोई फॉर्म बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई स्टूडेंट का जो डेटा है वो इंसर्ट होता है या नहीं होता। और यहाँ पे मैं देता हूँ बटन इंसर्शन, ठीक है। इसकी आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि ये हम यूआई का काम तो आप लोग खुद भी कर लेंगे डेटाबेस में। तो यहाँ पे मैंने बनाया वार, बल्कि नहीं, लेट इन इट वार। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक बटन और इसको मैं दे देता हूँ टाइप इसकी बटन की, ठीक हो गया। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको आईडी दूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी और आर डॉट आईडी डॉट बटन इंसर्शन। और बटन इंसर्शन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर। अच्छा ये आईडी क्या कह रहा है मेरी कि डिक्लेयर नहीं है, वो एंड्रॉयड स्टूडियो का मेरा मसला हो रहा है, मैंने बताया था आपको। तो मैं इसको क्लीन प्रोजेक्ट करूँगा तो ये आई गेस सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो मेन एक्टिविटी के अंदर ही मैं आ चुका हूँ वापस, और सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पर एक बनाते हैं वार, और वार के अंदर हम बनाएंगे डेटाबेस। और डेटाबेस के अंदर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे डेटाबेस डीबी हैंडलर, डीबी हैंडलर डॉट गेट डीबी, और इसको यहाँ पे कर देंगे दिस। तो अब ये जो डीबी का जो इंस्टेंस बना है ना, इसके थ्रू हम सारा का सारा इंसर्शन डिलीशन और क्यूरी से डेटा गेट करना सारा काम हम यहाँ पर करेंगे। तो अब डीबी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट डाओ को एक्सेस करेंगे पहले, क्योंकि डाओ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उस लेयर के थ्रू आपने डीबी के जितने फंक्शंस बनाए ना वो एक्सेस करने। तो स्टूडेंट डाओ और डॉट लगा के देखिए, अब दो फंक्शन मेरे पास यहाँ पर आ गए, इंसर्ट का भी आ गया, गेट ऑल स्टूडेंट्स का भी आ गया। तो मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, और इंसर्ट करने के बाद अब ये मुझसे बोला कि स्टूडेंट टेबल का जो इंस्टेंस है ना वो चाहिए। तो स्टूडेंट टेबल का मैंने इंस्टेंस बनाया और यहाँ पर मैंने इसको नाम दे देता हूँ दानियाल, और इसके बाद मैं ईमेल दे देता हूँ जो है दानियाल अहमद 520@gmail.com, ठीक है। अब ये मुझसे आईडी नहीं मांग रहा, आगे आईडी लिखा हुआ आ रहा है, जबकि आईडी इक्वल टू, अगर मैं स्टूडेंट टेबल में जाऊं और ये इक्वल टू 0 हटा दूं और वापस आऊं अपनी मेन एक्टिविटी में, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, ये बोल रहा है मुझे आईडी दो, 0 दूंगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें देनी नहीं है आईडी, क्योंकि आईडी हमने रखवाई है ऑटो जनरेटेड, तो हम खुद से नहीं देना चाह रहे। तो यहाँ पर मैंने इसको 0 कर दिया वापस, और यहाँ पर आगे इस 0 को हटा दिया, तो अब ये एरर नहीं आ रहा। ये तो हो गई हमारी इंसर्शन। इंसर्शन के बाद अब हमें प्रिंट भी करवाना है, तो डी बी डॉट स्टूडेंट डाओ डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, और इसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन के अंदर मैं क्या करूँगा कंट्रोल एक्स, और इसको मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डी बी को प्रिंट करवा दिया। एक चीज़ यहाँ पे और होती है स्टूडियो में, ऐप इंस्पेक्शन, जब भी आपका डेटाबेस बनेगा जो भी चीज़ें होंगी ना वो यहाँ पे शो होगी, तो वो हम यहाँ पे भी डेटाबेस को अपने एक्सेस करेंगे, और गेट की जो हमने लिखी है ना क्वेरी, तो उससे हम देखेंगे हमारे लॉग गेट के अंदर आइदर वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होती है या नहीं होती। ओके तो फिज़िकल डिवाइस मैंने अपनी कनेक्ट कर ली है लैपटॉप के साथ, और अपनी एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ। एक बार रन हो जाएगी तो हमारे पास एक बटन आएगा सामने इंसर्ट स्टूडेंट, वो क्लिक करके सबसे पहले हमने अपना टेबल देखना है, ऐप क्रैश ना हो, फिर टेबल देखना है अपना कि जो हमारा ऐप इंस्पेक्शन के अंदर टेबल है वो सामने शो हो रहा है। उसके बाद हम अपना लॉग गेट देखेंगे। तो हमने एक बटन से दो काम कर लिए, डेटाबेस के इंसर्शन भी कर ली और गेट की जो है ना हमने क्यूरी भी एग्जीक्यूट करवाई। ओके तो मेरे पास एरर ये आ रहा है कि एंड्रॉयड एसडीके जो वर्जन है ना मेरा यहाँ पे कंपाइल एसडीके, उसको 33 करना है। तो आई होप ये मसला आपके पास नहीं आए अगर स्टूडियो आपका लेटेस्ट वर्जन पे है, वरना आपको डेटाबेस का वर्जन और थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, वरना ये इस तरह के इश्यूज़ आएंगे कि कंपाइल एसडीके, टारगेट एसडीके आपका अप टू डेट नहीं होगा एज़ पर द रूम लाइब्रेरी जो उसको रिक्वायर्ड है। अच्छा ये अभी 33 के ऊपर भी एरर दे रहा है, मैं इसको यहाँ पे 34 कर देता हूँ। ओके तो एप्लीकेशन मेरी रन हो चुकी है, और इस एप्लीकेशन की जो स्क्रीन शॉट है मैं वो यहाँ पे लगाता भी जाऊँगा साथ साथ। और अब हम देखेंगे अपना यहाँ पे डेटाबेस, अभी देखें डेटाबेस के अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। मैं अपने इंसर्ट स्टूडेंट के बटन को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपने देखा लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट टेबल आ गया। स्टूडेंट टेबल के ऊपर मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक एंट्री आ रही है, नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है और आईडी आ रही है। तो मतलब स्टूडेंट टेबल हमारा सक्सेसफुली बन गया, उसके अंदर रिकॉर्ड्स भी गिर गया इंसर्शन के क्लिक के ऊपर।
अब मैं खोलता हूँ लॉक कैट, तो यहाँ पे मेरी गेट की जो एग्जीक्यूशन थी ना वो भी होनी चाहिए थी, तो ये मैंने किया इसको ओपन, और ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट टेबल की चीज़ें आ रही है मेरे पास, ईमेल, ईमेल को इसने वो कर दिया, ऑफिसकेट कर दिया, और नाम दिखा रहा है, आईडी दिखा रहा है, और ये स्टूडेंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। तो ये चैप्टर टू हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। अब चैप्टर थ्री के अंदर हम थोड़ा सा इसको एडवांस उसके अंदर लेके जाएंगे, हम मल्टीपल क्यूरीज लिख के देखेंगे कि किस तरह से जॉइंट्स लगते हैं, वो आगे के चैप्टर्स में आएगा। खैर चैप्टर थ्री के अंदर हम ये देखेंगे किस तरह से अगर स्पेसिफिक स्टूडेंट निकालना हो, या अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी ऐड हो तो, और अगर कोई बंदा सेम आईडी से या सेम ईमेल से अगर ऐड करना चाहे तो उस केस में हमें क्या करना है।